अस्सलाम वालेकुम यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह जी, आज हम देख रहे हैं ये स्टनिंग आउटफिट है फ्रॉम कवल मलिक लग्जरी लॉन 2023 का। इट्स बीन ब्यूटिफुली स्टिच्ड बाय एलिगेंस अनडिफाइंड। सो यू गाइस नो, आप लोग बहुत मुझे कह रहे होते हैं कि आप इतना वो नहीं लगवाती, ये नहीं लगवाती, वो नहीं लगवाती। सो आई एम इफ़ यू गाइस नोटिस, आई एम इन अ बिट ऑफ अ डिफरेंट, मेरा कलर पैलेट भी इस सीज़न जो है वो डिफरेंट है। एंड आई एम एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट लुक्स। मतलब लुक्स ऑब्वियसली अपनी लुक तो नहीं बनता चेंज कर सकता, बट लुक्स जैसे नहीं होता, जैसे यू गाइस, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि आपने ट्राउज़र पे पैच लगवाए, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, बिकॉज मोस्टली मेरा ये होता है कि मैं अपने ट्राउज़र्स पे ना पैचेस नहीं लगवाती। इसलिए नहीं लगवाती बिकॉज ऑब्वियसली नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर वो मुझे तंग करते हैं। बट वो मैं लॉन्ग टर्म में सोच रही होती हूँ ना कि अच्छा, ये आउटफिट जो है ये अभी फॉर्मल पहनना है तो बाद में आराम से इनफॉर्मल पहन लेंगे। तो मुझे ख्याल आया कि जो आउटफिट्स मेरे होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे, अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये वाला जो है, अब दिस इज़ अ गॉर्जियस आउटफिट बट दिस इज़ अ फॉर्मल आउटफिट, ये कभी भी मेरा इनफॉर्मल आउटफिट नहीं बन सकता। तो इसके ऊपर आई डोंट नीड टू वरी, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता आई बी एबल टू वेयर इट, बिकॉज फॉर्मल है ना, आप कितनी पार्टियों पे पहन लेते हैं। तो इस पर फिर मैंने कहा चलो फिर लेट्स पुट ऑन ट्राउजर्स, छोटी छोटी चीज़ें, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। आई रियली लाइक इट और मैंने बहुत इन्जॉय किया इसके अंदर जो सारी कारकर्दगी की है जी एलिगेंस एंड डिफाइंड वालों ने, बिकॉज आई टोल्ड देम कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए और दिस आई लाइक। बाकी आगे जो है ये सारा उनका कमाल है, उन्होंने मतलब जो सारी लेस डिटेलिंग है और जिस चाहे इधर यूं और गेंजा लगा देते हैं वो कर देते हैं। ऑब्वियसली दे डू आस्क मी कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस, आर यू कंफर्टेबल विद दैट। सो आई हैव टोल्ड देम कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। सो आई डू टेल देम कि ये ना लगाएं, जैसे आई डोंट लाइक हैंगिंग टैसल्स और वो जो गले पर लंबी लंबी रोप्स लगी होती हैं, वैसी चीज़ें आई डोंट लाइक, सो आई ऑलवेज अडमिट देम। तो माई एक्सपीरियंस विद देम हैज़ बिन वेरी वेरी कम्फर्टेबल इस हिसाब से कि जिस तरह मैं उन्हें बता देती हूँ दिस स्टिच फॉर मी, और दे डू अ वंडरफुल जॉब। मतलब आई लव जो, अब जैसे मैंने बताया कि भाई जो पलटा है, आई वॉन्ट ऑफ दिस कलर और मुझे इस तरह की लेस चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए या वो मुझे नहीं चाहिए, एंड आई ऑल्सो गिव देम डेड लाइन्स। और थोड़ा मेरे साथ यू गाइज ये होता है कि अब यू गाइज नो, फॉर मी ऑब्वियसली आई लव बाइंग दीज क्लोथ्स बट नाउ देर ऑल्सो माई वर्क, ठीक है, बिकॉज मुझे अपने कॉन्टेंट के लिए भी ये ऑन टाइम चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मेरा जो उनके साथ सबसे एक अच्छी है ना, कि उन्होंने मुझे हमेशा डे वन पे बताया कि जी आप इन आउटफिट्स में ना इतना टाइम हमें एक्सक्यूज़ मी लग जाएगा और हम इससे पहले आपको नहीं दे सकते। तो फिर मैं उस हिसाब से ही उनको अपने आउटफिट्स देती हूँ, बिकॉज़ उनको पता है कि मेरी भी डेडलाइंस हैं, मुझे भी चीज़ें टाइम पे चाहिए होती हैं, बिकॉज़ दिस इज़ माय वर्क। तो खैर, आई थिंक मैंने बड़े टेंजेंट पे बातें की हैं इस वीडियो में, बट आई रियली इन्जॉयड इट बिकॉज़ नज़र तो ऑब्वियसली आपको आ ही रहा है ना कि किस तरह स्टिच हुआ, किस तरह लेस लगाई। और उसमें ये है कि गाइज इसकी ना लेंथ में, बिकॉज आप इस आउटफिट की जाके देखें अनस्टिच्ड वीडियो, इसकी लेंथ में, इसके उसमें कोई वो नहीं है मसला कि आपको मसला होना चाहिए कि आपकी लेंथ नहीं बनेगी, आपका ये नहीं बनेगा। उन्होंने दुपट्टा भी लंबा दिया हुआ है, उन्होंने हर चीज़ बॉर्डर शॉर्डर सब पूरा दिया ब्रांड ने, सो दे डन अ वंडरफुल जॉब। तो आप आराम से यू गाइज कैन टेल योर टेलर के इस तरह लगा दें, इधर लेस लगा दें, इधर बेशक ना लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू क्यूरेट इट। ये जो अभी ये वाला जो एक तो ये लेस आ गई ना, इसके बाद दिस इज़ वाइट बॉर्डर, ये वाला अब ये आप देखें, ये उन्होंने ना इसके ऊपर लगाया है, नीचे वो थ्री पैनल्स जोड़ के ना उन्होंने इसके ऊपर लगाया था। वो इसलिए लगाया क्योंकि ये बॉर्डर आप देख रहे हैं ये था ही इतना, और मेरी अच्छी खासी विड्थ होती है, तो दे डिड इट लाइक दिस एंड आई रियली लाइक इट, इट्स बीन डन वेरी नाइसली।
और आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो. इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू अपलोड इसका लैवेंडर वाला भी रह गया है वो भी इंशाल्लाह आई विल अपलोड. इट्स बीन स्टिच्ड ब्यूटिफुली एंड डू चेक आउट एलिगेंस अनडिफाइंड इफ़ यू वॉन्ट बिस्पोक कैटलॉग मॉडल स्टिचिंग. तो फॉर मी माई एक्सपीरियंस विद दैम हैज़ बिन वेरी कोर्डियल एंड इट्स बिन वेरी कन्वीनियंट फॉर मी बिकॉज उन्होंने मेरे लिए काफ़ी आसानी से सारे मेरे काम किए हैं. खैर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू गाइज. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो. डू गिव मी योर फीडबैक. कोई चीज़ आपने बतानी है ज़रूर कॉमेंट करें. इंशाल्लाह आई एम लिसनिंग आई एम रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स और इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.